पहले कह रही थी कि आज कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, ये जो पूरी बातचीत उनकी तरफ से रखी गई है कोर्ट के सामने, बड़ा खुलासा जैसा माना, अब कुछ दिखाई दिया क्या उसके अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से कोर्ट के भीतर शरद चंद्र रेड्डी या इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लाया जाए, बीजेपी के नाम को इस पूरे केस में शामिल किया जाए, और उसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल और उनके वकील दिखाई दिए। क्योंकि आप अगर देखें तो अभी तक ये पूरा मामला कथित शराब घोटाले का है, ऐसे में शरद चंद्र रेड्डी के बाद मामले को लेकर मैं आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। आनंद, अब तो बस थोड़ा सा और वक्त बचा रह गया, फिर पता चल जाएगा, क्योंकि ईडी ये बार बार कहती, यही सुनाई दी कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और अभी जांच बाकी है। देखिए बिल्कुल शालिनी, आज चार पांच बड़ी बातें जो हैं वो ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई। पहली की है कि अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, वो जानबूझ के जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा के जो चार लीडर्स हैं उनके बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमारे पास मनी ट्रेल है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। गोवा चुनाव में हवाला के जरिए पैसा पहुंचा और उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। ये बड़ी बातें जो है आज ईडी ने कोर्ट के सामने रखी हैं और इन्हीं ग्राउंड पर, इसके अलावा मोबाइल फोन का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है कोर्ट में ईडी की तरफ से रखी गई हैं और इन्हीं दलीलों को देखते हुए 7 दिन की रिमांड जो है वो ईडी ने मांगी है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, कुछ देर के बाद कोर्ट का क्या रुख आता है, कोर्ट कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की और बढ़ाए, ये देखने वाली बात होगी। अब हाँ, मानव के पास मैं एक बार फिर से चलती हूँ। मानव, अब जरा ये भी समझाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 2-3 लोगों की गवाही के आधार पर मात्र मुझे गिरफ्तार कर लिया, ये 2 से 3 शख्स की जो गवाही है क्या वो बहुत मायने नहीं रखती है क्या, ये पहली बात? और दूसरी बात, कितना वक्त और लग सकता है मानव, आदेश कितनी देर में आ सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा देर तक कोर्ट में सुनवाई नहीं चली है, ऐसे में बहुत किसी भी क्षण आदेश कोर्ट का आ जाएगा। लेकिन जो 3 से 4 बड़ी बातें हैं शालिनी, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी होगा। जिन बयानों का अरविंद केजरीवाल जिक्र कर रहे हैं वो वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं, उनके बेटे राघव मंगूठा हैं, उनके बयान का इस्तेमाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने किया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 7 बयान दिए, 6 बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे और जो बयान उनके खिलाफ था कोर्ट में ईडी ने उसको रखा। तो ये दलील अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दी है। और इसके अलावा ईडी की तरफ से 2 बड़ी चीज़ें आज यहाँ पर कही गई हैं। पहली बड़ी चीज़ ये कि आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं से, गोवा के उन नेताओं से जिन्होंने गोवा में चुनाव लड़े हैं, उनसे ईडी ने पूछताछ की है। ऐसे में अब ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को उनके सामने बिठाकर उनसे पूछताछ कराई जाए। तो ईडी की रिमांड मांगने का एक बड़ा ग्राउंड ये है। दूसरा ग्राउंड ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके पासवर्ड वो शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ होती है तो वो उसके जवाब गोलमोल दे रहे हैं। यानी 3 से 4 जो बड़ी बातें हैं उन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ईडी अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है कि आगे हमको और रिमांड दी जाए, और संभवतः हो सकता है कि कोर्ट रिमांड देगा भी। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट क्या कहता है ये चंद मिनटों के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड में जाएंगे या कितने दिनों की रिमांड कोर्ट देता है, ये देखने लायक होगा शालिनी। बिल्कुल, लेकिन अभी तक जो ईडी के पास रिमांड अरविंद केजरीवाल की थी उसमें ईडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि ना तो डिवाइस का पासवर्ड वो दे रहे हैं जिससे कि उनकी डिवाइसेस को खंगाला जा सके, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, और इसीलिए वो जहां तक तय तक ईडी पहुंचना चाहती थी वहां तक वो नहीं पहुंच पाई है। और तीसरी बड़ी बात ये कि उनसे जब कोई सवाल पूछो तो वो ये भी कह दे रहे हैं, ईडी ने बताया कि मैं पहले अपने वकील से पूछ लूं और फिर उसके बाद इसका जवाब मैं दूंगा। तो ईडी का यही कहना है कि अभी आगे हमें रिमांड चाहिए, हमें आमना सामना भी कराना है, डिवाइसेस को भी खंगालना है, तो वो पासवर्ड भी हमें निकालना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सी तफ्तीश है जो बाकी है, इसीलिए 7 दिन की रिमांड की और मांग की गई है। लेकिन कोर्ट की तरफ से आदेश क्या आता है, फैसला क्या कोर्ट देती है, बस थोड़ा सा और इंतजार और फिर उसके बाद यह भी पता चल जाएगा। मानव का फिर से